मिनिमम डाउन पेमेंट 15,000 रुपया है मेरे यहाँ, तो 2798 रुपए किस्ती है जो कि 3 साल में 36 महीने कि अगर आप एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड लेकर आते हैं तो हमारे यहाँ सुविधा है कि अगर डेबिट कार्ड ई मैंडेट का प्रोसेस करेंगे तो उसमें डाउन पेमेंट ऑटोमेटिक 1300 रुपया और डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा 1300 का और डिस्काउंट है, 15,000 डाउन पेमेंट पे भाई बाइक मिल जा रही है इनके पास से। हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हमारे साथ है स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0, सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है भाई स्प्लेंडर का। और हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपको ये बाइक फाइनेंस पे लेना है यानी कि ईएमआई पे लेना है तो आपको कितने रुपए देने होंगे। आपको ये बाइक लेना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। शोरूम का सारा कॉन्टेक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन प्लस आपके स्क्रीन पे दे दूंगा। बाकी भैया से बात करते हैं और बात करते हैं कि इसको आप फाइनेंस कराते हो तो मिनिमम डाउन पेमेंट कितना देना होगा और आपको कितने रुपए पे करके ले जाने को मिल जाएगा। ये बाइक हीरो फाइनेंस से है, तो यहाँ पे आप आओगे तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको फाइनेंस करने के लिए भैया मिल जाएंगे। बताइए भैया कि यहाँ पे आपको शोरूम पे कौन से फाइनेंस से हैं आप और आप कितने रुपए मिनिमम डाउन पेमेंट देने होंगे कोई भी अगर कस्टमर आता है तो। मिनिमम डाउन पेमेंट स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 जो मॉडल है तो इसके लिए आपको सबसे पहले बता दीजिए कि कस्टमर आएगा तो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा। मिनिमम डाउन पेमेंट 15,000 रुपया है मेरे यहाँ, ठीक है, हीरो फाइनेंस की तरफ से। और इसका प्राइस बता दीजिए आप। तो प्राइस इसका 99,200 है, ऑन रोड प्राइस है। ठीक है भैया, तो इतना हो गया आपका ऑन रोड प्राइस। बाकी आपको इसमें मिनिमम डाउन पेमेंट आपको 15,000 रुपए अप्रोक्स में बता रहे हैं भैया। और आपको मंथली ईएमआई कितने आएंगे? मंथली ईएमआई आपका 2 साल में आपका आएगा मंथली ईएमआई 4520 रुपया। 2 साल यानी 24 महीने, और 18 महीने के लिए? 18 महीने के लिए आपको 5673 रुपया किस्ती है। 5673 रुपए जी जी। और उसके बाद अगर 36 महीने के ले रहे हैं तो 3378 रुपया किस्त आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 साल में लोन खत्म हो जाएगा। बस इतना आपको इसमें लोन का फाइनेंस का सुविधा मिल जाता है। बाकी अगर आप बंदा चाहता है कि 15,000 नहीं उससे थोड़ा ज्यादा यानी कि 30,000 अगर कोई डाउन पेमेंट करना चाहता हो तो उसके लिए ईएमआई 30,000 जमा करेंगे तो आपको 3674 रुपया आएगा 24 महीने के लिए। 24 महीने के लिए अगर करता है कोई बंदा तो 3674 रुपये देना पड़ेगा इस बाइक के लिए भाई। 3674 रुपये 24 महीने के लिए अगर 30,000 डाउन पेमेंट करते हो तो। बाकी और भी थोड़ा सा बताइए डिटेल भैया, थोड़ा सा और कम ईएमआई अगर भी इससे भी कम अगर ईएमआई पर रखते हैं गाड़ी 30,000 डाउन पेमेंट पे ही 30,000 पे ही 3205 रुपये देना है जो कि 30 महीने में फाइनल होगा। 3205 रुपये 30 महीने के लिए, 2.5 साल में फाइनल होगा। और उसके बाद भैया थोड़ा और बताइए। 36 और इससे भी कम अगर ईएमआई रखना चाहते हैं तो 2798 रुपये किस्ती है जो कि 3 साल में 36 महीने। बाकी यहाँ पे आने के बाद आप और भी बता सकते हैं, जैसे कि और भी ज्यादा डाउन पेमेंट कोई देता है तो ईएमआई और भी कम हो जाएगा। तो ये है भाई स्प्लेंडर। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह बता दीजिए भैया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आना होगा। इसमें किफायती हीरो फाइनेंस की तरफ से कि अगर आप एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड लेकर आते हैं तो हमारे यहाँ सुविधा है कि अगर डेबिट कार्ड ई मैंडेट का प्रोसेस करेंगे तो उसमें डाउन पेमेंट ऑटोमेटिक 1300 रुपया और डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा 1300 का और डिस्काउंट है, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट है डेबिट और इस कार्ड से पेमेंट करने पे। बाकी और बताइए भैया, मतलब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए जैसे कि फाइनेंस कराना है किसी को? ले लीजिए पैन कार्ड, आधार, पैन फोटो, पासपोर्ट, बैंक का पासबुक और डेबिट कार्ड। मतलब डिस्काउंट चाहिए तो ये सब चीज हो गया आपका डॉक्यूमेंट। बाकी थोड़ा अपने एजेंसी का एड्रेस बता दीजिए भैया, अपने एजेंसी का नाम और एड्रेस। मेरा एड्रेस सिवान टणवा रोड है जो गोपालगंज रोड जाता है, जो गोपालगंज मोड़ से 1 किलोमीटर आगे जाइएगा वो टणवा गांव है, पुलिस लाइन से थोड़ा सा आगे है, 10 कदम आगे। प्रतीक हीरो में आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भैया मिल जाएंगे, हीरो फाइनेंस से हैं भैया, आप देख सकते हैं इनसे। और यहाँ पे आकर आप अपना इजिली डाउन पेमेंट देकर जितना मिनिमम 15,000 डाउन पेमेंट पे भाई बाइक मिल जा रही है इनके पास से। सिविल अगर अच्छा होगा तो, और उसके लिए भी सुविधा है 8,000 रुपया डाउन पेमेंट देने। एचएफ डिलक्स में भी 8,000 पे भाई, इधर देखो भाई हीरो का हर बाइक अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे आइए, हीरो का हर बाइक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्ट्रीम भी भाई बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल के रखा है फाइनेंस के लिए। तो बाकी आपको ये बाइक कैसी लग रही है कमेंट करके हमें जरूर बताना। और इसमें भाई बहुत सारे फीचर्स है, उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने डाल रखा है। तो ये तो था फाइनेंस का वीडियो। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, डिटेल में और भी कुछ जानना हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो जो कि है कॉमेंट में पूछने का। और ये देख लो भाई मीटर वगैरह इसमें आपको मिल जाता है, फ्रंट में LED हेडलाइट मिल जाता है, साथ ही साथ DRS हजार्ड लाइट मिल जाता है, डिजिटल मीटर मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ E20 अपडेट आता है। इसका थोड़ा सा लुकिंग ग्लास भाई नॉर्मल स्प्लेंडर से अलग है। बाकी ये देखो भाई यहाँ पे स्प्लेंडर का लिखा हुआ बैजिंग एक्सटेक यहाँ पे 2.0। रियर में भी आप देख लो हजार्ड है, इसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलता है। रियर भी भाई काफ़ी सुंदर सा इसका टेल लाइट है।
तो ये है भाई कुछ ओवरऑल बाइक का फाइनेंस डिटेल। तो रिव्यू अगर डिटेल में देखना हो तो आप एक हमारे और चैनल पे वीडियो है उस पर आप देख सकते हो 2.0 का। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। आई वांट टू रीच 1 मिलियन सो प्लीज सर सर पकड़ आई ओके थैंक यू।